सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू ए न्यू सोलो बोनस चैलेंज मैच। तो भाई मैं शेल्टर जा रहा हूँ, प्लेन पास से शेल्टर बहुत दूर था इसलिए मैं गाड़ी से आया हूँ। और भाई जब इधर पहुँचता हूँ तो भाई ऑलरेडी एक बंदा आ चुका है, उसका एक गाड़ी लगा हुआ यहाँ पे। तो मैं दूसरे एंट्री पॉइंट से शेल्टर के अंदर जाता हूँ। और भाई इस मैच में जो एंड सर्कल है भाई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्या ही मैच होने वाला है। तो अंदर घुसते इस बंदे का फुटस्टेप आ गया है, तो उस बंदे को मेरा फुटस्टेप आ चुका होगा, तो उसे पता चल गया होगा कि मैं भी आ चुका हूँ यहाँ पे। बट इसे देख के लगता नहीं है भाई कि इसे पता है कुछ। और भाई जब मैंने दो चार शॉट मारे स्टार्टिंग के, मुझे लगा मर जाएगा, बट भाई मरा ही नहीं बंदा। फिर इसे दोबारा मारना पड़ा, उसने मैं इतने डैमेज दे दिया। तो शेल्टर लूट के निकल चुका हूँ आगे। और भाई अभी जोन देखूंगा, तो जोन देख के लगता है कि भाई ब्रिज से बंदे आएंगे, तो ब्रिज कैंप करने पहुंच जाता हूं। बट भाई यहां पे कोई नहीं आता, एक ही बंदा आता है, वो भी भाई बच के निकल गया, एक एचपी वो भी। तो भाई इधर लेफ्ट जो कि कंपाउंड है उस पर एक गाड़ी लगी थी, तो उसके पीछे से घूम के आता हूं कि जैसे वो जोन में जाने के लिए गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी से उतार दूंगा उसको। भाई तभी पीछे देखता हूं तो भाई शेक पे एक दासिया लगी है, तो इससे बचने के लिए भाई मेरे को यहां से हटना पड़ता है और इस शेक पे आ जाता हूं। और तभी पीछे से भाई स्नाइपर मारता वो बंदा, मुझे लगा वो बंदा मेरे को मार रहा है, बट बाद में पता चलेगा आपको क्या हो रहा है। तभी भाई एक फुटस्टेप आता यहाँ पे, तो भाई वेट करता हूँ कि इसका डीपी का एमओ खत्म हो जाए। जब खत्म होता है तो आराम से मारता हूँ इसको। अब इस घर वाले बंदे को पता चल गया होगा कि भाई यहाँ पे एक बंदा है। और उसको लूटना जरूरी था कि भाई मेरे पे स्मोक ना था और भाई कुछ हीलिंग भी नहीं थी मेरे पास। इसे लूट के निकल रहा हूँ और वो बंदा भी निकलता है गाड़ी में बैठने के लिए, और तभी मैं मार देता हूँ इसको। और भाई इसको मारना बहुत ज़रूरी था क्योंकि भाई मेरे पे गाड़ी भी नहीं थी, बाकी का पीछे वाला टायर फोड़ दिया था। और ये जोन है भाई बहुत ज़्यादा दूर बना है, इसे लूटता हूँ फटाक से और निकल पाता हूँ जोन के लिए फुल बूस्ट होके। तभी भाई जोन के बाहर फाइट हो रहा है, दो बंदे बिल्कुल ओपन में, बोले तो फ्री के लिए। तो भाई एक को मार दिया है, बट दूसरे वाले का वेट नहीं करता, मेडकिट मारता हूँ और निकल जाता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि भाई जोन के बाहर फाइट लेना सही नहीं है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डैमेज है। और जैसे ही मैं जोन के अंदर पहुँचता हूँ भाई इधर भी जोन के बाहर फाइट हो रहा है, मतलब क्या ही कर रहे इस लॉबी में सारे बंदे, सब जोन के बाहर फाइट कर रहे हैं। और इधर पर मैं एक शेक पर पहुँचता हूँ, यहाँ पर एक ये बग्गी दिख रहा है आपको, बग्गी लेने का था प्लान कि क्योंकि गाड़ी में फ्यूल नहीं था। और जो नेक्स्ट जोन बनता है भाई वो भी मेरे ऊपर ही है, बट मैं यहाँ से निकलने का सोचता हूँ। इधर पे देख रहा हूँ मेरे पास एटेक्स है कि कोई बंदा प्रोन मिले और इजी भाई एक और किल मिल जाए। कोई नहीं दिखता यहाँ पे, और यहाँ पे एक गाड़ी है, पता नहीं इसका बंदा यहाँ पे है कि नहीं। तभी पीछे शैक पे एक बंदा दिखता है मुझे, और भाई चलती गाड़ी में टीम अप वाले आ रहे हैं, उसको मार दिया है। और क्या ही भाई, मुझे लगा मैंने दूसरे बंदे को ही मार दिया है, बट नहीं मरा वो, और क्या ही गिराया बंदे को गाड़ी से। और भाई अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक ठोक दो इस किल के लिए। दोनों टीम अप वाले को निकाल दिया यहाँ से। और भाई जोन जाने का आगे, तो मैं अपनी फूटी हुई गाड़ी से पहले तो डब्बे पे स्मोक किया है उसको लूटने के लिए, और दूसरे डब्बे पे स्मोक करता हूँ और इसी गाड़ी को लेके जाता हूँ मैं। और भाई जैसे ही पहुँचता हूँ वो मेरा नहीं मतलब किसी और का गाड़ी फोड़ता है, तो मेरा गाड़ी फोड़ने से पहले मैं निकल पड़ता हूँ जोन के लिए। अब उस बंदे को देखूँगा मैं जो डीपी से जिसने मेरी गाड़ी फोड़ी थी, मतलब मेरी नहीं, जो मेरे को फोड़ना चाहता था। और तभी भाई लेफ्ट में भी एक बगी आता है, पहले राइट वाले को देखना है क्योंकि वो ओपन से ही आएगा। और वो बंदा दिख जाता है, उसका पैर दिख रहा है बट जब तक उसका हेड नहीं दिखेगा। बट किल फीड में देखो M24 चला है और वो वही बंदा था, M24 से उसे मार दिया है।
और जोन भाई बहुत ही आगे है देख सकते हो मतलब मिनी मैप पे। और भाई और एंड सर्कल में गाड़ी का यूज़ करना बोले तो भाई सारे बंदे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और मारेंगे आपको एंड सर्कल में खास करके। तो एंड सर्कल के सर्कल में अगर गाड़ी का कोई प्लान है तो भाई उसको हमेशा लास्ट में रखना। तो बट अभी देख सकते हो बिल्कुल जोन स्टार्ट हो चुका है और भाई जोन बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं बग्गी पे स्मोक करता हूँ, अब कोई मेरे पे चारा भी नहीं है तो मेरे को ये गाड़ी लेना पड़ेगा, बोले तो ये बग्गी। और आसपास एक बंदा था उसका ये बग्गी है। और भाई पत्थर का हार्ड कवर लेता हूँ राइट से कंपाउंड से। और लेफ्ट में दिख रहा है आपको स्मोक, उधर पे भी एक बंदा दिखा हुई। और जैसे मैं भाई फर्स्ट एड मारता हूँ, एक भाई पैर पे M24 का शॉट देता है वो, अच्छा वो फर्स्ट एड मार दिया मैंने। तो एक स्मोक कर लेता हूँ लेफ्ट में और पत्थर का कवर तो है ही राइट से। और भाई अच्छी बात ये है कि भाई जोन अब मेरे पे है, कंपाउंड वाले को सबको बाहर आना पड़ेगा ओपन में। और गाइस हीलिंग पे अभी मतलब बोले तो कुछ भी बूस्टर वूस्टर नहीं है, नहीं तो मैं लगा के मस्त फुल HP हो जाता। और भाई सामने वाले पत्थर पे ले लेता हूँ क्योंकि भाई मुझे भी जोन में जाना है थोड़ा लेफ्ट। और सारे कंपाउंड वाले निकल रहे हैं अभी। और ये बंदा भाई जब घर से निकला मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, बट अभी जब मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो मेरे को दिखाई है जब वो ब्लू वाले घर से निकला था ये। अभी भाई तीन ही बंदे बचे हैं, एक सामने एक मेरे पीछे, और उन दोनों बंदे को भाई मेरा पोजीशन पता है। नहीं फिर अभी मेरे को एक ना एक बंदे को मारना पड़ेगा, बोले तो एक साइड क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देंगे। तो भाई पीछे क्लियर है बिल्कुल, अब बस सामने वाला बच्चा है। भाई तीन नेड एक मौली कर देता हूँ, बट शायद से वो सामने वाले पेड़ के पीछे आ चुका है, सिर्फ उसको डैमेज पहुंचा होगा। और भाई जंप करके देखता हूँ मैं, उसका थोड़ा सा मूवमेंट दिख जाता है मुझे अब। और दो हेडशॉट भाई टन टन करके उसे मार देता हूँ। तो ये था गाइस 8 किल चिकन डिनर, बिल्कुल तबाहीदार एंड जोन था ये। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक ठोक दो, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना ऐसे ही तबाहीदार वीडियो देखने के लिए। और कल मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।